आइए आज आपको उत्तर प्रदेश के चंदौसी ले जाते हैं, जहां इलेक्शन को लेकर जबरदस्त बहस हो रही है। इस बहस में जब हमारे नुमाइंदे गजनफर अली बिलमिल समाज पहुंचे तो लोग कांग्रेस से टिकट का दावा करते नजर आए। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के और गांव और शहर कर चंदौसी विधानसभा इकट्ठे। यहां पर एक कांग्रेस के दावेदार ने अपनी दावेदारी पेश की है, उनसे मुलाकात करेंगे और एक बैठक चल रही थी यहां पर, उस बैठक में लोग मौजूद हैं, चर्चा चल रही थी कुछ चुनाव को लेकर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेंद्र पाल वाल्मीकि है, 31 विधानसभा चंदौसी से दावेदारी है, सुरक्षित सीट है। और आपको टिकट मिलता है तो आप चंदौसी के कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप कार्य करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये समाज बहुत ही भाग्यशाली होगा कि वाल्मीकि समाज के लिए कांग्रेस टिकट देगी। और मुद्दे इतने हैं कि ये समझ लो, यहाँ पर बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। हमारा अनुरोध ये है कि जहां तक अगर इन्हें महेंद्र पाल सिंह को टिकट अगर कांग्रेस पार्टी से मिल जाए तो निहाती बढ़िया। शिक्षा को लेकर आपकी पढ़ाई को लेकर क्या सोचे आपकी? पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई करना सबके लिए हमारे बिहार में, और हमारे बिहार के लोग थोड़ा पीछे रहते हैं। अब थोड़ा हमारे नेताजी आगे बढ़ेंगे तो हम सब लोग भी आगे बढ़ेंगे। रोड तो बिल्कुल बेकार है, सारे रोडों में गड्ढे गड्ढे हैं, 15-20 साल से देखते चले आ रहे हैं, गड्ढे भरे ही नहीं है उनके। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल सरकारी लगभग होंगे 50 या 55 के आसपास, क्योंकि अभी पिछले दिनों बीमारी की कोरोना दोबारा की मृत्यु हुई है। तो मैं प्राइवेट के, सरकारी तो नहीं किया। कितने लोगों की मृत्यु मानते हैं आप बीमारी में? बीमारी से तो काफी मृत्यु हो चुकी है कोरोना काल। कोई ऐसी परेशानी होती है जिससे आसपास अस्पतालों को दूर लेके आना पड़ता है दिल्ली या मुरादाबाद? यहाँ तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो अच्छा हॉस्पिटल कोई हो, यहाँ से या तो मुरादाबाद या फिर दिल्ली। अच्छा, आगे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस क्या रोजगार देगी? कांग्रेस में हमेशा रोजगार को रोजगार बिल्कुल चाहिए और कांग्रेस आएगी तो हमें रोजगार देगी। जी ये भी यहाँ के भी काफी मुद्दे हैं। अब अगला गांव, अगला शहर, अगली विधानसभा, इसी समय आपसे मुलाकात होगी। हाईटेक टीवी चंदौसी।